हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट किचन गार्डनर। दोस्तों मैं आज आपको भिंडी लगाना दिखाऊंगी कि भिंडी के बीज हम कैसे लगाते हैं। ये जो ग्रो बैग है ये 24x12 का है और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें भिंडी कैसे लगाएंगे। जो ये मिट्टी है ये मैंने पहले ही तैयार करके रखी हुई थी। आप देखिए ये बिल्कुल पोर्श मिट्टी है, ये देखिए ये बिल्कुल हल्की मिट्टी है जिसे कि हम भुरभुरी मिट्टी कहते हैं। इसमें सभी पोषक तत्व मैंने पहले ही मिला लिए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें भिंडी के बीज अब कैसे लगाएंगे। ये है मेरे भिंडी के बीज। सबसे पहले दोस्तों आपको मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप जो बीज का चयन है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी के बीज का चयन करिए। अगर आपने पुराने या घर से ही तैयार कर लिए बीज वो नहीं होएंगे, हो जाएंगे लेकिन आपको फ्रूटिंग इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, तो आप बेस्ट क्वालिटी के बीज का चयन करिए। जो आधा इंच है हम आधा इंच जितना इसमें गड्ढा करेंगे और इसमें हम बीज डाल देंगे। देखिए ऊपर से ऐसे ढक देंगे। आज हमारी कुछ भिंडी हार्वेस्टिंग के लिए भी रेडी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों आप अपने घर पे बहुत अच्छी सब्जी उगा सकते हो, बस आपको उगानी आनी चाहिए, आपको मिट्टी बनानी आनी चाहिए। इतना तो आप कर ही सकते हो, कम से कम आधा एक घंटा तो आप अपने गार्डन को दे ही सकते हो। इससे आपको खुशी भी मिलेगी और आपको हेल्थ तो मिलेगी ही मिलेगी। इसमें कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करते, खुद से खाद बनाते हैं, पत्तों की वर्मी कंपोस्ट हम खुद बनाते हैं, एंजाइम हम खुद बनाते हैं घर पे, तो सब हम घर पे ही तैयार करते हैं, बाहर से कुछ नहीं आता। आगे आगे आपको मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि हम एंजाइम कैसे बनाते हैं, पत्तों की खाद, वर्मी कंपोस्ट सब देखने को मिलेगा आपको। नेचर के करीब रहिए दोस्तों, आप बीमारियों से बचे रहेंगे। और अब हम इनमें देते हैं पानी, तो आपको ऐसे लगाना, तो आप देखेंगे कि ये 7 दिन में 7 या 10 दिन में मैं आपको दिखाऊंगी कि ये उग जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे बीज, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। पानी लाओ, पानी पानी। पानी आप अच्छे से दे दीजिए इसमें। ये हमने अपनी भिंडी के बीज में पानी भी दे दिया और अब हम इसका वेट करेंगे 7 दिन के जर्मिनेशन के बाद, फिर हम आपको दिखाएंगे। और अब जो हमने पहले भिंडी लगाई हुई अब हम उसकी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। चलिए
दोस्तों ये देखिए मेरे जुकीनी के प्लांट हैं ये, और मैं इनके जो ये ख़राब पत्ते होते हैं वो निकाल रही हूँ। इन ख़राब पत्तों को निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन जो वैल्यू होती है वो खींच लेते हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती। अगर हम इनको हटा देंगे तो हमारी जो फ्रूटिंग है वो अच्छे से मैच्योर हो जाएगी, इसीलिए इनको हटाना बहुत ज़रूरी है। आप भी हटाते रहिए, ऐसे अगर ख़राब पत्ते आपके पौधों में हों तो उनको हटाना ज़रूरी है। जितने भी खराब पत्ते हैं उन सबको हटा दीजिए आप। इससे प्लांट भी हेल्दी होएगा। आप टाइम टाइम से अपने पौधों की प्रूनिंग इस तरीके से करते रहिए तो आपको ज़्यादा फ्रूटिंग मिलेगी। ये देखिए मैंने सब पत्ते जो भी थे खराब सब हटा दिए। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक करते जाइए। आपका एक लाइक मेरी मेहनत को सफल बनाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए।